हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश अनेजा। फ्रेंड्स, आज हम इनकम टैक्स की शुरुआत कर रहे हैं। इनकम टैक्स की शुरुआत में हम दो चीज़ें समझ लेते हैं कि अभी तक मैं आपको क्या करवा चुका हूं। एक मिनट, मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं आज इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के लिए मैं आपको शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें बता देता हूं। मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़वाया है उसके लिए आपको इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए नोट्स ऑलरेडी दे चुका हूं मैं आपको। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में मैं आपको नोट्स दे चुका हूं, और साथ ही साथ जो हम क्लास में पढ़ रहे थे वो हैंड रिटन नोट्स में पढ़ रहे थे। ये आप सभी देख ही पा रहे हैं अपने अपने फोल्डर्स में। हैंड रिटन नोट्स मैंने अलग से दिए थे ताकि आप उनको देख देख के अपने नोट्स बना सकें। और अभी तक हमने अपना अकाउंट सब्जेक्ट और ऑडिट दोनों को हैंड रिटन नोट्स पे ही किया है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप ये आप सभी को मालूम है। बट इनकम टैक्स के लिए फ्रेंड्स, मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं, कई दिन पहले से ही आपके पास हैं। आप नोट्स बनाने के लिए तो हैंड रिटन नोट्स का यूज़ करेंगे, मतलब उसको देख देख के जल्दी जल्दी बना सकते हैं। बट आपको आज मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ क्लास में ध्यान रखना है, मतलब मैं लिखूंगा और आपको समझना है। कुछ मेन पॉइंट्स आप साथ साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स मैंने ऑलरेडी दिए हैं, आज आपको खुद से मेरे साथ पढ़ते पढ़ते भी नोट्स बनाने हैं, और बाद में आपको नोट्स अपडेट करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं। फ्रेंड्स, हैंड आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको दिमाग में जल्दी याद होगा, ये तो बात क्लियर ही है, बचपन से आप लोग सीखते आए हैं। कुछ स्टूडेंट अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, अपने हिसाब से आप कर भी सकते हैं। बट मैं आज आपको बता दूं, मैं आज आपको लिखते लिखते पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको हैंड रिटन पीडीएफ जो मैं ऑलरेडी पहले यूज़ करता था उस पर नहीं पढ़ाने वाला, पूरा इनकम टैक्स मैं आपको इसी वाइट ब्लैंक स्लेट पे पढ़ाने वाला हूं। ठीक है जी, तो अब हम अपना इनकम टैक्स का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी के टर्मिनोलॉजी लिख ली है ताकि मैं कुछ गलत टर्मिनोलॉजी ना बोल लूँ, तो इसके लिए अब हम हिंदी कि कुछ टर्म्स को भी साथ साथ यूज़ करेंगे ताकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए कंफर्टेबल रहे। हालांकि दोनों के नोट्स मैंने ऑलरेडी अलग अलग आप लोगों को दे रखे हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं ऑफिशियली हमारा इनकम टैक्स का टॉपिक। इस हार्ड सब्जेक्ट को अब हम क्या करेंगे, आसान बनाने वाले हैं। इनकम टैक्स यानी कि आपका आयकर, आपका आयकर। तो सबसे पहले इनकम अलग है, टैक्स अलग है, तो सबसे पहले हम टैक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, टैक्स। देखिए टैक्स क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि आर्टिकल 265, आर्टिकल या अनुच्छेद लिख देता हूं मैं यहां पे, अनुच्छेद 265 आपको क्या करता है, सरकार को टैक्स लगाने की पावर देता है। फटाफट से चलेंगे, सरकार को टैक्स लेवी, इंग्लिश में वर्ड होता है लेवी और हिंदी में आप कर दीजिए लगाने की, हालांकि इसका एक मैंने और शब्द लिखा है उद्ग्रहण, इसको लगाना या उद्ग्रहण आपको बुक्स में मिल जाएगा। टैक्स लगाने की पावर कहां से मिलती है, 265 में सरकार को टैक्स लगाने की पावर मिलती है। लगाना क्यों है, खर्चों के लिए, सरकार जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति के लिए। अब खर्चे किस तरह के होते हैं, शिक्षा पर सरकार खर्च करती है, ठीक है जी, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य पर, और आज की डेट में तो स्वास्थ्य पर आपको पता ही है कितना खर्चा करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड, रोड सड़क जैसे कहते हैं, सड़क पुल, इनके खर्चों के लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो टैक्स के जरिए वो पैसा इकट्ठा करती है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कितने तरह के टैक्सेस हैं, कितने तरह के टैक्सेस हैं, मैंने क्वेश्चन मार्क रखा, आप फटाफट से बताइए मुझे टैक्स कितने तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हिंदी में समझें इसको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है जी, फटाफट से चलेंगे आज, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो बातें हमने यहां समझ ली। तीसरी बात, ये डायरेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट का एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स, हालांकि और भी हैं पर मैं अभी हमें इनकम टैक्स ही समझ लें तो बहुत है। इनकम टैक्स डायरेक्ट क्यों है, अब उसको समझते हैं। जिस पे लगेगा, जिस पर लगेगा उसी को ही चुकाना है, वही चुकाएगा। हालांकि कुछ इसके अपवाद भी हैं, मान लो वो पर्सन जिंदा नहीं रहा तो उसके
उसके बेटों से वसूल कर लेते हैं, या वो देश से बाहर चला गया तो उसके किसी एजेंट से वसूल कर लिया जाएगा। उसके कुछ अपवाद भी हैं, बट नॉर्मली इनकम टैक्स जिस पर लगता है उसी से वसूला जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब मैं इतना आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इसके आगे हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, उदाहरण से समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, मोहन क्या है एक किराने की दुकान चलाता है, ठीक है जी, शॉपकीपर है, मैं एस के लिख रहा हूँ इसको शॉपकीपर, हालांकि एस के मेरा भी नाम है, ठीक है जी। मोहन क्या है एक शॉपकीपर है, मोहन ये है गवर्नमेंट हमारी, ये है हमारी सरकार, और ये है कस्टमर, ये है कस्टमर। कस्टमर क्या करता है, मोहन से सामान खरीद के आता है और 100 रुपये के सामान पर मान लीजिए 18 रुपये GST दे के आता है, ठीक है जी। मोहन क्या करता है, इस 18 रुपये वाले, हालांकि मैं इसको लंबा खींच सकता था पर मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मोहन इस 18 रुपये को सरकार को दे देता है। टैक्स दिया किसने है, मोहन ने, सरकार बोलेगी टैक्स दिया किसने है, मोहन ने, पर असल में चुकाया किसने है, कस्टमर ने। इसे इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जो टैक्स दे रहा है वो ना चुकाकर कोई मिडलमैन के जरिए पहुंचता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है जी। ओके सर, जब हमने समझ लिया कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अब आगे की क्या कहानी है, अब आगे की कहानी में रोल आता है इनकम टैक्स का। हमने टैक्स समझ लिया, हमने डायरेक्ट टैक्स समझ लिया, अब हमें समझना है कि इनकम टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद की कहानी में अब हम आते हैं, सबसे बड़ा रोल आता है सबसे पहले तो इनकम टैक्स चलेगा कैसे। चलने के लिए सबसे पहले तो आपको संविधान चाहिए, संविधान, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, संविधान चाहिए। संविधान की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अब अनुच्छेद 200, पहले हमने 65 समझा था, अब हम बात करते हैं 246 के। 265 तो सरकारों को पावर देता है टैक्स लगाने के, पर संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि आप टैक्स लगा लो, आप टैक्स लगाओ, ठीक है जी। अब ये टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी 246 के अंतर्गत हमने जब टैक्स लगाया, इसी के अंतर्गत हमें क्या करा है, टैक्स लगाया। देखिए 265 में मैं एक बात और ऐड ऑन कर देता हूँ, 265 में कानून का अधिकार है, मतलब 265 में वो कहते हैं कि कानून के जरिए टैक्स लगाने का अधिकार है, और 246 में उन्होंने सरकारों को परमिशन दी, हालांकि मैं थोड़ा सा मिक्स कर गया था इनको। 265 में कानून ने पावर दी है टैक्स लगाने की, और 246 राज्य सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पावर दी है। इसको इस बार इस तरह से समझेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा सर, 246 में जब इनके पास पावर आ गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया। तो एंट्री नंबर, ध्यान से सुनेगा, एंट्री नंबर, ठीक है, एंट्री नंबर 82 के अंतर्गत आयकर लगाया, एंट्री नंबर 82 के अंतर्गत क्या लगाया इन्होंने, आयकर लगाया। 82 के अंदर इन्होंने क्या किया, आयकर लगाया, एंट्री नंबर, ठीक है जी। अब एंट्री को प्रविष्टि आप समझेंगे, मैंने ये टर्म्स लिख रखी है हिंदी में, ठीक है जी। प्रविष्टि, प्रविष्टि नंबर 82 के तहत आयकर लगाया गया, जिसके अंदर कितने सेक्शन है, 298 धाराएं हैं, धाराएं या सेक्शन बोलते हैं हम उसको, 298 धाराएं हैं, और 14 क्या हैं फटाफट से बताइए, शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां, हाँ अनुसूचियां वर्ड है, 14 अनुसूचियां हैं, ये याद रखने हैं, ये सारे जितना भी करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये यहाँ तक हमें समझ में आया, एंट्री नंबर 82 ध्यान रखना है आपको, कितने सेक्शन और कितने शेड्यूल्स हैं, आई होप ये आपको क्लियर रहेगा। चलिए ये हमने समझ लिया है, ओके जी। अब हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर उसके बाद आया रूल्स,
उसके बाद क्या है, रूल्स 1962। समझ आ रहा है ना, बोरिंग तो नहीं हो रहा? मैं वन बाय वन और थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि सिलेबस हमें अच्छे से करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को करना है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। 1961 एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट मैं लिख देता हूँ आगे, इनकम टैक्स एक्ट क्या है 1961, ध्यान रखना है। रूल्स कब आए थे, उसके अगले साल 1962 में। अच्छा फिर क्या, फिर किसका रूल आता है, फिर आता है नोटिफिकेशंस का। मैं इसको हिंदी में भी बताता हूँ ये क्या है, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। सर क्या ये सेम होते हैं? नहीं, दोनों में फर्क होता है, वो भी बताता हूँ। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, इसको हिंदी में हम कहेंगे अधिसूचना, अधिसूचना, ठीक है, और सर्कुलर को कहेंगे परिपत्र। अब जब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर की, नोटिफिकेशन क्या काम करते हैं, ध्यान से सुनेगा। इनकम टैक्स, पहले मैं वापस से बताता हूँ, इनकम टैक्स एक्ट क्या है, सबसे बड़ी पावर है, यानी कि ये सरकार को अधिकार प्रदान करता है टैक्स लेने का इनकम के ऊपर, ठीक है जी। उसके लिए उसके बाद क्या हुआ, इनकम टैक्स के रूल्स बने। रूल क्या करते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाकर बताते हैं, करने का तरीका, टैक्स लगाने का तरीका, टैक्स का तरीका वो कौन बताएगा, रूल्स। इन्होंने तो कह दिया टैक्स लगेगा, इन्होंने तो बड़े बड़े बातें करी, बड़ी बड़ी बातें, पर उनको एक्सप्लेन किसने किया, रूल्स ने। अब रूल आता है नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स का। नोटिफिकेशंस क्या करते हैं, नोटिफिकेशन कानून में परिवर्तन, कानून में परिवर्तन का काम करते हैं, कानून में परिवर्तन का काम करते हैं। कुछ चेंज करना है तो नोटिफिकेशन लाना है, ठीक है जी। किसी बड़ी बात को लागू करना है तो नोटिफिकेशन लाना है। सर्कुलर क्या करते हैं, सर्कुलर डिपार्टमेंट का अधिक, डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए ही होता है। डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एक रूपता, उनके काम में एक रूपता लाने के लिए, गाइस ध्यान से सुनेगा, किसी विशेष मुद्दे पर एक रूपता लाने के लिए। मान लीजिए इनकम टैक्स के हजारों ऑफिसर काम कर रहे हैं, कोई इनकम टैक्स के धारा 32 के तहत आपको डेप्रिसिएशन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, मान लीजिए विवाद हो गया, तो सर्कुलर के जरिए इस विवाद को सुलझाया जाता है और सभी ऑफिसर्स को एक तरीका दिया जाता है, ठीक है जी। ये डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, मेरा एक वर्ड ध्यान रखिए, ये किसके ऊपर बाइंड होता है, बाइंड होता है ये सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर। नोटिफिकेशन तो कानून ही बना देता है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सर्कुलर की। सर्कुलर क्या करता है, सर्कुलर बाइंड होता है डिपार्टमेंट के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं हो सकता, मैं चाहूं तो कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं। अच्छा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, SC हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या कर जाते हैं, कानून बन जाते हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट उस स्टेट के लिए लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो क्या होता है, पूरे देश पे लागू होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो सिर्फ राजस्थान के लिए वैल्यू होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो पूरे देश में मान्य रहेगा। ये है इसका पूरा चेन, ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए। अब हमने ये बात तो समझ ली, अब हमारे पास एक चीज जो हमें समझनी जरूरी है कि इनकम टैक्स की पावर किसके पास है, इनकम टैक्स की पावर किसके पास है। देखिए तीन तरह की सूचियां हैं, तीन सूची है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें तीन तरह की सूचियां दी हैं। पहली सूची जो कि है, हिंदी में अगर उसको देखूं तो संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें केंद्र सरकार के पास पावर है, केंद्र या कहूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट, जिसे राज्य सूची बोला गया है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो हम इस पर ज़्यादा समय नहीं लगा सकते, ये आपके MCQs ही हैं, ये आपके MCQs ही हैं, ठीक है जी। इसको, ये स्टेट के पास पावर है, ये स्टेट्स के पास पावर है।
और तीसरी आती है आपकी, तीसरी आपकी हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उसको कहेंगे हम संघ सूची, राज्य सूची, और थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हम बोलेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट को हम बोलेंगे जहाँ पर दोनों तरह के टैक्स लगेंगे, दोनों तरह के टैक्स लगेंगे। इसका हिंदी मतलब मैंने नहीं लिखा, लिखना रह गया, ठीक है जी। चलिए, कॉन्करेंट लिस्ट इसमें क्या होता है, टैक्स कौन लगा सकता है, इसमें टैक्स लगा सकता है स्टेट भी और सेंटर भी, इसमें दोनों के पास पावर होती है, ठीक है जी। ओके सर, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है। संघीय सूची में, संघीय सूची में सरकार ने कौन सा टैक्स लगाया, आयकर लगा लिया, इनकम टैक्स, ठीक है जी। इससे पहले एक्साइज था, एक्साइज, ये सारे टैक्स कौन ने लगाए, सेंटर ने लगाए। राज्य सूची में क्या लगा, वैट लगा हुआ था, अब तो वैट चला गया, जीएसटी आ गया, वैट हट गया। एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, और बहुत सारे कर, जैसे आप देखते हैं ना स्टैंप ड्यूटी, स्टाम्प खरीद के लाते हैं उसके ऊपर लगने वाला कर, वो स्टेट्स के पास है, तो ये सारे टैक्स स्टेट के पास राज्य सूची से आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लगा सकते हैं टैक्स, ठीक है जी। अच्छा सर, तो ये इनके तीन तरह की सूची हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के क्रम में गाइस ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है, उस स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए। ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, अब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे हैं कुछ मंत्रालय, मिनिस्ट्री, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्री ले लीजिए, होम मिनिस्ट्री, ये क्या है आपकी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जिसे आप कहते हैं, ये हो गया आपका रक्षा मंत्रालय, रक्षा लिख दिया मैंने, चलो। यहाँ आपका आ गया एजुकेशन, सर ये क्यों बता रहे हो, ध्यान से समझना। और यहाँ आ गया आपका फाइनेंस, वित्त, हमें समझना किसको है, वित्त को, इनके ऊपर नहीं जाएंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलती है। ये कई सारे मंत्रालय होते हैं, ये होता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के पास, अब ध्यान से सुनिएगा, दो तरह के बोर्ड बने हुए हैं, दो तरह के बोर्ड बने हुए हैं, दो तरह की चीज़ें, एक आय, आय को संभालने वाला, बोर्ड के ऊपर भी आऊँगा, दो तरह के काम होते हैं, एक आय का काम करना और एक खर्च का काम करना। दो तरह के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू की ओनली, ये भी क्या होता है, दो तरह से हैं, यहाँ पर दो तरह के रेवेन्यू हैं, एक डायरेक्ट वाले और एक इनडायरेक्ट वाले। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ गाइस, ताकि क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी कौन सी है फाइनेंस में, ये कौन है, वो कौन है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ये आपका होता है इनडायरेक्ट वाला। अब डायरेक्ट को कौन संभालता है, CBDT, और इनडायरेक्ट को आज की डेट में उसका नाम हो गया है CBEC, होता था पहले CBEC होता था, ई को हटा के आई लग गया है CBIC, ये सी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ध्यान से सुनिए, केंद्रीय आगे प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, और ये कौन सा CBIC, ये क्या है, केंद्रीय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो यहां तक जो हमने समझा कि किसके पास क्या पावर है, अब CBDT के पास क्या पावर है, अब जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का सारा काम कौन करता है, CBDT, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, CBDT, और अगर मैं GST पढ़ रहा होता तो CBIC। समझ रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है किस तरह से ये काम होता है। खर्च के ऊपर हम बात नहीं कर रहे क्योंकि खर्च का अलग ही सिस्टम होता है, हम तो यहाँ पर आय के ऊपर बात करेंगे, ठीक है जी। CBDT और CBIC, CBDT क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी करवाती है, CBDT क्या करती है, सर्कुलर जारी करवाती है, कानूनों की पालना करवाती है, CBDT क्या करती है, इनकम टैक्स की रिटर्नों के फॉर्म जारी करती है। तो ये सारा काम किसके पास है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास। यहाँ तक हमने
कुछ चीज़ों को समझ लिया है। ये तो हमने समझा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे वो काम करता है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है जी। चलिए अब CBDT है, CBDT एक बोर्ड है, CBDT का बोर्ड का कोई ना कोई डायरेक्टर होगा, वैसे CBIC का भी कोई ना कोई डायरेक्टर होगा। यहाँ पर हमने समझा पूरा पूरा स्ट्रक्चर इनकम टैक्स का सिस्टम कैसे होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स मेरे क्लियर हो गए जो मुझे आपको बताने थे। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि 82 है उसकी अधिसूची, ध्यान रखना एंट्री नंबर 82 है इनकम टैक्स का, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आता है CBDT वाला, अच्छा ये क्वेश्चन कोई ये CBIC वाला आ सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है जी। अच्छा चलिए तो फ्रेंड्स अब हम मूव करेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में अब हम इनकम टैक्स के तरीकों को समझना शुरू करेंगे कि कैसे लगता है, किस पे लगता है, और इसकी शुरुआत जब हम करेंगे सेक्शन 4 से करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स है क्या एक्चुअल में। तो सेक्शन 4 क्या करता है, इनकम टैक्स की लेवी के बारे में, उद्ग्रहण के बारे में बात करेगा। वहां हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स किस पे लगेगा और कब लगेगा, ठीक है जी। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, नए वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।